फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ब्रेड पकौड़ा बना है। इसमें जो हमने चटनियाँ लगाई थी वो भी एकदम बिल्कुल दिख रही है साफ। तो आप इसे टमाटो केचप के साथ लगा के खाएं और बहुत ही टेस्टी बनता है इसे। हे एवरीवन, तो कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ हमने कुछ ब्रेड लिए हैं। तो फ्रेंड्स हमें जो ब्रेड के किनारे से कट कर लेना है, इसे हम कट कर देंगे क्योंकि ये जो ब्रेड के किनारे हैं वो खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं, इसलिए हम इसे अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ कढ़ाई ले ली, तेल गर्म हो चुका है, जिसमें ऐड करेंगे जीरा। यह हमने साबुत जीरा का यूज़ किया है। इसमें ऐड करेंगे अदरक, अदरक का हमने कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट। इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ऐड करेंगे इसमें कस्तूरी मेथी, इसे मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू। ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। फिर इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, आप चाहे तो आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लगभग हमें आलू को 1 से 2 मिनट तक भूनना है अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स आलू अच्छी तरीके से भून चुके, तो इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर को भी हमने कद्दूकस कर लिया था। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पनीर से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो इसमें हमने इसमें ऐड किया पनीर। फ्लेम जो है वो बंद कर हो चुकी है रेडी, तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तो फ्रेंड्स हमने ले लिया बॉल, इसमें ऐड करेंगे बेसन। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच राइस फ्लावर, चावल का आटा, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, हमने इसमें चावल का आटा यूज़ किया। ऐड करेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है इसमें। पानी ऐड करके इसका एक लिक्विड घोल तैयार करना है। तो फ्रेंड्स बैटर बन चुका है, आप देख सकते हैं हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं किया, हमें गाढ़ा ही बैटर चाहिए और बैटर में लम्स नहीं होना चाहिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करें, तो आप बैटर देख सकते हैं कितना थिक है, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। तो बैटर बन चुका है फ्रेंड्स। ब्रेड के ऊपर लगाएंगे हम ग्रीन चटनी। तो फ्रेंड्स इसे हमने पूरी ग्रीन चटनी से कवर कर दिया है और दूसरी ब्रेड पर हम लगाएंगे टमाटो केचप। और इसके ऊपर लगाएंगे स्टफिंग। कवर कर देंगे हम ब्रेड से, जहाँ दूसरी साइड हमने जो केचप लगाया था उस ब्रेड से हम इसे कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम कट करेंगे, तो इसकी जो साइड वाला भाग है इसे हम कट करेंगे। अब इसे दूसरी तरफ से कट करेंगे। तो आपने देखा हमने कितने परफेक्ट तरीके से इसे कट कर लिया है। तो ये है मिनी ब्रेड, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे कोट करेंगे बेसन से और इसका मिनी ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। तो हमें बाकी सभी ब्रेडों को इसी तरीके से कट कर लेना है। फ्रेंड्स ब्रेड को इसमें डिप करेंगे बेसन में, इसे अच्छे से कोट करें। ये गर्म हो चुका है तो इसमें हम फ्राई करेंगे। तो हमें सभी ब्रेडों को बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स ब्रेड पकौड़ा जो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके थे, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमें बाकी सभी ब्रेड पकौड़ों को बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेना है।
फ्रेंड्स मिनी ब्रेड पकौड़ा बनकर हो चुका है रेडी। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसे बीच में से तोड़ के दिखाते हैं कैसा बना है अंदर से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टफिंग है इसमें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ब्रेड पकौड़ा बना है। इसमें जो हमने चटनियाँ लगाई थी वो भी एकदम बिल्कुल दिख रही है साफ। तो आप इसे टमाटो केचप के साथ लगा के खाएं और बहुत ही टेस्टी बनता है इसे। तो आप जब भी आपका मन करे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।